द सोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विद द विदेस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज सो बेसिकली डिप्रेशन एक क्या है फ्रीजिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी है तो देखिए सिंपल से एक फंडा है कि जब भी आप किसी प्योर सोलवेंट में फॉर एग्जाम्पल आप ये है ग्राफ बनता है प्योर सोलवेंट का ओके okay, टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है अब क्या होता है कि जैसे इसमें आप सोल्यूशन बना देते हो सोलवेंट में सोल्यूट डाल देते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है

इसमें ऑब्वियसली जो इसका सोलवेंट uh, का ऑर्डर अरेंजमेंट होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है उसको डिस्टर्ब कर देता है अब क्या होता है जो पहले सोलवेंट मोलिकल्स आपस में इंट्रैक्शन कर रहे थे अब इनके एडिशन की वजह से इनमें भी थोड़ा सा इंट्रेक्शन होना शुरू हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि सोलवेंट रिक्वायर्स इवन मोर लोअर टेम्परेचर टू गेट फ्रीज समझ में अब इसमें क्या होता है कि जो आपके कोई जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर वे कंपाउंड्स जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं वे ज्यादा लोअर मोर लोअर डिप्रेशन होता है मोर डिप्रेशन इन कंपैरिज़न टू जो कि डिजोल्व नहीं होते या नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड्स होते हैं जैसे वे उनके कंपैरिज़न में जो आयनिक कंपाउंड या डिजोल्व जो हो जाते हैं या वोलेटाइल मतलब जो थोड़े से आप पानी में डालोगे तो आप आइंस डिसोसिएट हो जाते हैं उसके केस में ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है अगर आप इस पॉइंट को समझ में आ गया तो अब आपको आगे देखिए इजी हो गया आप समझना सर अगर आप पहला देखोगे एसिटिक एसिड असित डिजोल्व इन वॉटर देखिए जब एसिटिक एसिड असित, ऑब्वियसली एक वीक एसिड है एक ओके लेकिन फिर भी जब आप सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच को वाटर में डालते हो तो भले ही कम लेकिन थोड़ा तो डिसोसिएट होता ही है यानी जब आप इसको डिजोल्व कर रहे हो वाटर में तो इट गेट्स एक्सटेंट ऑफ कि अगर मैं NACL डालता एच सी डालता मे बी उसके कंपैरिजन में नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो डिसोसिएट हो रहा है सोना अब जब देखते हो एसिटिक एसिड असिट इन बेंजीन तो नॉट डिजोल्व ये क्या होता है दोनों के ही दोनों जो एसिटिक एसिड है बेंजीन में क्या होता है इट डिसोसिएट नहीं होता एंड रिमेन एज अ सिंगल मॉलिक्यूल यानी जब एसिटिक एसिड को आप बेंजीन में डालते हो एक रिमेन एज ए सिंगल मॉलिक्यूल और एक वन पार्टिकल ही कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑन द अदर हैंड यहाँ पे ये भी कर रहा था और ये भी टू पार्टिकल्स में आ गए लेकिन इस केस में वन जब बेंजोइक एसिड आप डिजोल्व करते हो बेंजीन में ये भी सेम रीजन है कि डिसोसिएट या डिजोल्व नहीं होगा और रिमेन एज अ सिंगल पार्टिकल पर मोलिक्यूल समझ सिमिलरली जब आप ग्लूकोज की बात करते हो इवन इन वॉटर ग्लूकोज भी विल नॉट डिसोसिएट एंड विल रिमेन एज अ वन पार्टिकल पर मोलिक्यूल समझ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल ये आपकी फ्रीजिंग पॉइंट की इनका जो बिहेवियर है वो बेसिकली सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है एंड ना की आइडेंटिटी पे ओके okay, आइडेंटिटी की वेदर इट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उसपे ज्यादा कम रहेगा वेदर इट इज गेटिंग मतलब कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ये दे रहा है उस पर डिपेंड करता है तो अगर आप इस सब में देखोगे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट ही ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है और सब में सिर्फ और सिर्फ वन पार्टिकल दे रहा तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया ऑप्शन नंबर वन